हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नवीनता यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर एमटीयू की तरफ से नोटिफिकेशन है आपके एडमिशन को लेकर। जिनको एडमिशन का वेट था बीएड के लिए या फिर एमएड के लिए, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर किसी भी कैंडिडेट को एमटीयू में एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपके एडमिशन्स का नोटिफिकेशन निकल चुका है। किसी को भी एडमिशन लेना हो तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। जो आपका प्रोसेस रहेगा, जो आपका आपकी जो फर्स्ट डेट है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगी, वो है 29 अक्टूबर, और ये आपके चलेंगे 17 नवंबर तक। 29 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हैं और आपके 17 नवंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। ये हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, प्लस जो सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनकी भी आपके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 29 है, और आपकी जो रहेगी वो रहेगी 30 नवंबर तक, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, जो चालान वगैरह कटता है, वो होता है आपका जनरल के लिए 1000 रुपीज़, एंड जो SC BC के एंड जो डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन है उनकी फ़ीस रहेगी आपकी 625 रुपये। तो ये आपका प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन जो लेना चाहते हैं, जिनकी परसेंटेज ग्रेजुएशन में ज़्यादा है, 75 अबो है जिनकी परसेंटेज, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और जिनकी कम है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये जी डेट है आपकी। चलिए, उसके बाद जो रहेगी आपकी चॉइस फिलिंग, आप देखोगे अपने फॉर्म्स को, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 20 तारीख को। 20 नवंबर को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी 2 दिसंबर को। ओके, ठीक है जी। उसके बाद है ये आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट होगी 22 को, और 6 दिसंबर को ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। ये है आपकी प्राइवेट कॉलेजेस में। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरिट लिस्ट हो गई, उसके बाद काउंसलिंग आपकी होती है कॉलेजेस में। जिस भी कॉलेज में आपका नंबर पड़ा है तो वहाँ पर काउंसलिंग के लिए आपका कॉल आएगा, तो उसके लिए जो फर्स्ट शीट्स जो अलॉटमेंट की जाएंगी, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी 23 नवंबर को, सेकेंड होगी आपकी 27 नवंबर को, और थर्ड रहेगी आपकी 3 दिसंबर को। और जो फर्स्ट काउंसलिंग रहेगी ये आपकी 23 से लेकर 25 तारीख तक आपकी काउंसलिंग रहेगी, फर्स्ट काउंसलिंग। दूसरी रहेगी आपकी 27 से लेकर 1 दिसंबर तक। तीसरी रहेगी 3 से लेकर 7 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग की लिस्ट है। 8 को आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी, 13 को सेकंड, 17 को से स्टार्ट होंगी आपकी थर्ड। ये काउंसलिंग की डेट है यहाँ पर, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जिन कैंडिडेट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आप प्राइवेट में ट्राई कर सकते हो। और जिन्होंने स्टार्टिंग में, जब रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हुए हैं, आपने अप्लाई कर दिया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है किसी भी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में, आपको अलॉट नहीं किया गया है, तो आप अपने फॉर्म दोबारा ऊपर फिल करोगे। ये होंगे आपके ओनली प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। ये जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ये स्टार्ट होगा दोबारा 22 तारीख से, 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 6 जनवरी को, 2022 को, ठीक है। और जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 7 जनवरी 2022 को होगी, सेकंड 13 को, थर्ड होगी 18 को, और उसके बाद जो फर्स्ट है ये 7 से 11 है, 13 से 17 और 18 से 1 तक। उसके बाद ये बीएड का था, ठीक है। काउंसलिंग के बाद आपको आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बताए जाएंगे कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, और फीस आपके क्या रहेगी काउंसलिंग में, ये सब आपको क्लियर करा जाएगा। उसके बाद है एमएड रेगुलर के लिए भी ओपन हुए हैं आपके फॉर्म्स, और ये हैं ओनली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। जो एमडीयू से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। और जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 1000 रुपीज़ से चलान आपका कटता है रजिस्ट्रेशन फीस, ये आपकी 29 से स्टार्ट होगी, और
ये आपकी रहेगी 15 नवंबर तक, ठीक है। 29 से स्टार्ट होंगे और 15 नवंबर तक आपके रहेंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी 17 नवंबर को, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी लगेगी 20 नवंबर को। इस तरीके से ये आपकी काउंसलिंग की डेट है, कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप सभी को ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि कब आपके एडमिशन स्टार्ट हैं और कब आप अप्लाई कर सकते हो अपने फॉर्म्स को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के कॉलेजेस के जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं। अगर किसी को बीएड में एडमिशन लेना है, तो अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे यहाँ पर बीएड की क्लासेस होंगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, फाइल सब सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपको लिंक जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।